नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वीडियो कक्षा के माध्यम से मैं डॉक्टर क्षमा शुक्ला राजकीय बालिका इंटर कॉलेज प्रयागराज से कक्षा दशम विषय संस्कृत व्याकरण प्रकरण वाक्य प्रयोग। आइए अब हम परीक्षा हेतु निर्धारित प्रश्न और उनके अंक भार के बारे में जानते हैं। वाक्य प्रयोग से संबंधित जो प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं उसमें प्रश्न इस प्रकार से आता है कि निम्न पदों में से किन्हीं चार पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए, जो कि चार अंक का होता है। इसमें आपको संस्कृत में पद दिए रहेंगे, उन पदों का आपको संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना होगा। आइए अब हम प्रकरण के बारे में जानते हैं। इस प्रकरण के माध्यम से हम अनुवाद के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और वाक्य प्रयोग करना सीखेंगे। इसके पूर्व के की कक्षाओं में आपको वाक्य और शब्द के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। आइए, वाक्य भाषा का आधार है तथा शब्द वाक्य का। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर अर्थात जिसका कभी क्षरण न हो, जो कभी नष्ट न हो। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के समूह से वाक्य की रचना होती है। संस्कृत में वाक्य प्रयोग के लिए शब्दों के उचित सामंजस्य का ज्ञान होना अति आवश्यक है। सर्वप्रथम हम वाक्य प्रयोग के लिए दिए गए शब्द से हिंदी में वाक्य की रचना करते हैं, तत्पश्चात उसको संस्कृत भाषा में रूपांतरित करके संस्कृत में वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। संस्कृत रूपांतरण के लिए अनुवाद के नियम का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यदि संस्कृत के नियमों का ज्ञान है तो हम सीधे संस्कृत भाषा में ही वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं अनुवाद किसे कहते हैं। एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना अनुवाद कहलाता है। किसी भी वाक्य का अनुवाद करते समय उसके कर्ता, कर्म और क्रिया तथा अन्य कारकों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। आइए अब हम सबसे पहले जानते हैं कर्ता किसे कहते हैं। किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रियाएं ये सब चीजें होती हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कर्ता किसको कहते हैं। स्वतंत्र कर्ता अर्थात जो क्रिया करने में स्वतंत्र होता है वह कर्ता कहलाता है। जैसे एक वाक्य हम लेते हैं, राम जाता है, तो इस वाक्य में जाने की क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है, इसलिए राम कर्ता हो गया। क्रिया जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे राम जाता है, इस वाक्य में राम कर्ता हो गया और राम जाने की क्रिया कर रहा है। जाने की जो गमन क्रिया है वह राम के द्वारा हो रही है, तो जो राम कर रहा है, जो क्रिया हो रही है वह राम के द्वारा हो रही है, तो कर्ता ने राम करता है और उसकी जो गमन क्रिया है वह हो गई क्रिया। तो क्रिया अर्थात जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। वचन, संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन एक वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, द्विवचन दो वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है तथा बहुवचन दो से अधिक वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। पुरुष, तो आइए अब हम जानते हैं संस्कृत में पुरुष का क्या महत्व है। संस्कृत में पुरुष तीन होते हैं। प्रथम पुरुष, जिसको हम अन्य पुरुष भी कहते हैं, जिसके विषय में बात की जाती है वह पुरुष है। मध्यम पुरुष, जिससे बात कही जाए वह
मध्यम पुरुष है, और तीसरा होता है उत्तम पुरुष, जो बात को कहता है वह उत्तम पुरुष होता है। प्रत्येक पुरुष तीनों वचनों में होते हैं। क्रियाओं के रूप भी पुरुषों के आधार पर ही चलाए जाते हैं। तो प्रत्येक पुरुष तीनों वचनों में होते हैं। तीनों वचनों का अर्थ है एक वचन, द्विवचन और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये जो तीन वचन होते हैं, तो उन तीनों वचनों में पुरुष होते हैं। क्रियाओं के रूप भी पुरुषों के आधार पर ही चलाए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक क्रिया के प्रत्येक काल में नौ रूप होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पट धातु लट लकार वर्तमान काल के रूप के द्वारा इसे आपको समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे यह लट लकार प्रथम लट लकार वर्तमान काल का रूप है। प्रथम पुरुष में पठति एक वचन, द्विवचन में पठतः और बहुवचन में पठंती आता है। मध्यम पुरुष एक वचन में पठसी, द्विवचन में पठतः और बहुवचन में पठत आता है। उत्तम पुरुष एक वचन में पठामि, द्विवचन में पठावः और बहुवचन में पठामः आता है। क्रियाओं के साथ प्रत्येक पुरुष के प्रत्येक वचन में जुड़ने वाले कर्ता नौ होते हैं। जैसे यह सब कर्ता हैं। प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता होता है सह, सह माने होता है वह। द्विवचन प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता है तौ अर्थात वे दोनों। प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता है ते अर्थात वे सब। मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है त्वम अर्थात तुम। मध्यम पुरुष द्विवचन में युवाम तुम दोनों। मध्यम पुरुष बहुवचन में यूयम तुम सब। उत्तम पुरुष एक वचन में अहम मैं। उत्तम पुरुष द्विवचन में आवाम हम दोनों। उत्तम पुरुष बहुवचन में वयम अर्थात हम सब। इस प्रकार से ये क्रिया के रूप हैं। अब हम काल के बारे में जानते हैं कि संस्कृत में काल कितने होते हैं। क्रिया के तीन प्रमुख काल होते हैं। तो जो क्रिया होती है वह काल के माध्यम से चलती है। तो क्रिया के तीन प्रमुख भविष्यत काल, वर्तमान काल, जिससे वर्तमान समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल का अर्थ है कि जो उस समय क्रिया चल रही होती है वह वर्तमान काल होता है। इसके लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे पठती गच्छति यह लट लकार का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल जिससे बीते समय का बोध होता है अर्थात जो क्रिया पूर्व में हो चुकी है। जैसे राम गया तो राम पहले ही जा चुका है तो इसलिए यहां पर वह भूतकाल में आएगा और भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग होता है। वर्तमान काल में जैसे हमने कहा राम जाता है तो जाने की क्रिया वर्तमान समय में हो रही है इसीलिए वह राम जाता है यह शब्द वर्तमान काल में आएगा और इसमें लट लकार का प्रयोग किया गया। भूतकाल में आएगा जैसे राम गया तो राम पहले ही जा चुका है वह क्रिया पूर्व में हो चुकी है इसलिए वह भूतकाल में आती है और इसमें लंग लकार का प्रयोग। तीसरा काल है भविष्यत काल। भविष्यत का अर्थ है जो बाद में होने वाली क्रिया होगी। जैसे राम जाएगा या राम पढ़ेगा तो वह बाद की क्रिया है तो जिससे आने वाले समय का बोध हो वह भविष्यत काल होता है। इसमें लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामः गमिष्यति राम जाएगा तो इस समय राम गया नहीं है वो भविष्य में जाएगा इसीलिए वह भविष्यत काल के अंतर्गत आता है और इसमें लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। लिंग तीन प्रकार के होते हैं। संस्कृत में क्रिया के ऊपर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये है पुलिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुलिंग होता है जिससे पुरुष जाति का बोध होता है वह पुलिंग होता है। जैसे रामा
स्त्रीलिंग में जिससे स्त्री जाति का बोध होता है जैसे रमा, नपुंसक लिंग में जिससे न पुरुष जाति का बोध होता है और न ही स्त्री जाति का बोध होता है वह शब्द नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं, और जैसे पत्रम फलम यह सब नपुंसक लिंग में आते हैं और इनके रूप भी नपुंसक लिंग में चलते हैं। आइए अब हम कारक के बारे में जानते हैं कि कारक किसे कहते हैं। क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहा जाता है। अब आइए विभक्ति, कारक और चिन्ह को जानते हैं। जैसे अगर कहा जाता है कह ददाति, कौन देता है, तो यह प्रथमा विभक्ति में होगा, इसका कारक होगा कर्ता और इसका चिन्ह है ने। अगर यह पूछा जाता है किम ददाति, तो यह द्वितीय विभक्ति होगी, इसका कारक कर्म होगा और इसका चिन्ह है होता है को। केन ददाति, किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह तृतीय विभक्ति होगी, इसका कारक होगा करण और इसका चिन्ह है से या के द्वारा। इसी प्रकार से अगर प्रश्न किया जाता है केभ्यः ददाति, किसको दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है, तो चतुर्थी विभक्ति आती है, संप्रदान कारक है और इसका चिन्ह है के लिए। कस्मात ददाति, इसमें पंचमी विभक्ति आती है, इसका कारक होता है अपादान कारक और इसका चिन्ह है से अलग होना। षष्ठी विभक्ति, कस्य ददाति, षष्ठी विभक्ति आती है, इसका कारक है संबंध और इसका चिन्ह है का के की रा रे री। सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक होता है में पर और पे। संबोधन में जैसे हम कहते हैं हे भो अरे, ये सब चीजें संबोधन में आती है। तो जैसे इसमें विभक्तियां हैं, प्रथमा विभक्ति इसका कर्ता कारक है और इसका चिन्ह है ने। द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक आया, इसका चिन्ह को। तृतीय विभक्ति में करण कारक आया, इसका चिन्ह से या के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान कारक से अलग होना। जैसे हम कहते हैं पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो यहाँ पर जो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। फिर है षष्ठी विभक्ति, जहां पर संबंध दिखाना होता है वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और संबोधन अंत में संबोधन आता है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में संबंध पद तथा संबोधन पद कारक नहीं माने जाते हैं। इस प्रकार संस्कृत में कारक छह प्रकार के होते हैं। ये छह कारक हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। अनुवाद करने में जिस पुरुष व वचन का कर्ता होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। यह अनुवाद का पहला नियम है कि जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया होगी। क्रिया जिस काल की हो उसी काल का रूप लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए क्रिया वर्तमान काल की है तो रूप भी वर्तमान काल का लिखा जाएगा, क्रिया भूतकाल की है तो रूप भूतकाल का लिखा जाएगा, और अगर क्रिया भविष्य काल की है तो भविष्य काल का रूप लिखा जाएगा। आइए इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे शब्द आता है वाक्य वह जाता है, यह एक वाक्य है, इस वाक्य के माध्यम से इसको समझाया गया है। देखिए सह गच्छति, वह जाता है, सह माने होता है वह, गच्छति अर्थात जाता है। तो यह जो जाने की क्रिया है वह वर्तमान काल में हो रही है, वह जा रहा है, यानी उस समय वह जा रहा है, तो इसलिए यह वर्तमान काल का रूप है। राम जाता है, रामः गच्छति, राम करता है और गच्छति इसमें क्रिया है, तो जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया होगी। तो यहां पर कर्ता जो राम है
वहां एक वचन का है, तो इसीलिए जो क्रिया लगेगी वह भी एक वचन की लगेगी। जैसे यहां पर कर्ता सह प्रथम पुरुष एक वचन का है, अतः उसके अनुसार क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। जाता है क्रिया वर्तमान काल लट लकार की है, जैसे लिखा है वह जाता है या राम जाता है, तो यह क्रिया वर्तमान काल लट लकार की है, अतः गम धातु के लट लकार वर्तमान काल का रूप यहाँ पर प्रयुक्त होगा। गम धातु लट लकार वर्तमान काल के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है गच्छति, इसीलिए अनुवाद यहाँ पर अनुवाद किया गया है सह गच्छति, वह जाता है। संस्कृत में क्रिया के काल को व्यक्त करने के लिए निम्न लकारों का प्रयोग होता है। वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग होता है, भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है, भविष्यत काल के लिए लृट लकार का प्रयोग किया जाता है, आज्ञा सूचक शब्दों के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है, और विधि सूचक या चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर लट लकार आता है। लट लकार में जैसे पठति गच्छति यह सब रूप है, वह लट लकार के हैं। भूतकाल आता है तो भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग किया जाता है, जैसे अपठत अपठताम के जो रूप चलते हैं वह लंग लकार में होते हैं। भविष्यत काल में लृट लकार प्रयोग होता है, जैसे पठिष्यति पठिष्यता के जो रूप चलते हैं वह भविष्यत काल में होते हैं। आज्ञा सूचक लोट लकार में होता है, जैसे पठेत पठेताम पठेयु यह रूप चलता है वह लोट लकार का है, और विधि सूचक या आज्ञा सूचक लोट लकार का प्रयोग होता है, पठतु पठताम पठंतु, और विधि सूचक या चाहिए के अर्थ में विधि लिंग का प्रयोग होता है, पठेत पठेताम पठेयु। आज्ञा सूचक में हम रूप लोट लकार का रूप लिखते हैं, पठतु पठताम पठंतु, और चाहिए के अर्थ में पठेत पठेताम पठेयु यह रूप विधि लिंग लकार में चलता है। जब वाक्य में दो कर्ता होते हैं और च से जुड़े होते हैं, तब क्रिया द्विवचन की होती है। यह सब अनुवाद के कुछ सामान्य नियम है, इनका प्रयोग करके आप अनुवाद कर सकते हैं। जब वाक्य में दो कर्ता होते हैं, जैसे इसको हम नीचे उदाहरण के माध्यम से भी आपको समझाया गया है कि जब वाक्य में दो कर्ता होते हैं और च से जुड़े होते हैं तब क्रिया द्विवचन की होती है। जब वाक्य में दो कर्ता वा से जुड़े होते हैं तब क्रिया द्विवचन की न होकर के एक वचन की होती है। जब वाक्य में दो से अधिक कर्ता च से जुड़े होते हैं तब क्रिया बहुवचन की होती है, जैसे राम और कृष्ण पढ़ते हैं। तो यहां पर आपको बताया जा रहा है कि जब वाक्य में दो कर्ता होते हैं, तो इस वाक्य में दो कर्ता है राम और कृष्ण और वह च से जुड़े होते हैं, तब क्रिया द्विवचन की होती है। तो राम कृष्ण च, तो ये दोनों कर्ता च से जुड़े हैं, इसीलिए यहां पर क्रिया होगी द्विवचन की क्रिया होगी, द्विवचन में आता है पठता, तो यह वाक्य बन गया राम कृष्ण च पठता। उसी प्रकार से जब लिखते हैं राम कृष्ण और मोहन लिखते हैं, तो यहां पर तीन कर्ता है राम कृष्ण और मोहन, और लिखने की क्रिया तीनों के द्वारा हो रही है, राम भी लिख रहा है, कृष्ण भी लिख रहा है और मोहन भी लिख रहा है। तो
यहां पर हम लिखें इसका वाक्य बनेगा रामः कृष्णः मोहनश्च लिखन्ति। तो यहां पर जो क्रिया होगी वह बहुवचन की हो जाएगी क्योंकि यहां पर कर्ता एक से अधिक हैं। अगर एक होता तो एक वचन की क्रिया होती, दो कर्ता होते तो द्विवचन की क्रिया होती, क्योंकि यहां पर कर्ता दो से अधिक है तो बहुवचन की क्रिया होगी, इसीलिए यहाँ पर रामः कृष्णः मोहनश्च लिखन्ति इस क्रिया का प्रयोग किया गया है और यह वाक्य इस प्रकार से बनाया गया है। उपर्युक्त अनुवाद के सामान्य नियमों का पालन करके हम छोटे छोटे वाक्य संस्कृत में बना सकते हैं। वाक्य बनाने के लिए पद का प्रयोग करके वाक्य की रचना की जाती है। तो वाक्य रचना के लिए आपको एक पद दिया होगा, उस पद को ऐसा वाक्य बनाया जाएगा जो कि वाक्य सार्थक हो और उस सार्थक वाक्य से उस पद से एक सार्थक वाक्य बनाया जाएगा। इसको यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। जैसे यूयम शब्द आया है, यूयम का अर्थ होता है तुम सब। तो यूयम अगर पद दिया हुआ है और हमको इसका वाक्य प्रयोग करना है तो पहले हम यूयम का अर्थ जानते हैं। यूयम का अर्थ होता है तुम सब। तो हम एक वाक्य बनाएंगे कि तुम सब जाते, तुम सब जाते हो, तो तुम सब यूयम हो गया और गच्छथ। तो जो कर्ता है तुम सब हो गए और गच्छथ हो गई क्रिया, तो यूयम गच्छत, यह क्रिया लग करके यूयम गच्छत यह वाक्य बना। फलम, फलम का अर्थ होता है फल। अब फलम से हमको बनाना है तो हम लिखेंगे फल गिरता है, तो फलम पतति, एक फल गिर रहा है इसीलिए यहां पर क्रिया भी एक वचन की होगी, फलम पतति। त्वम शब्द आया है, त्वम का अर्थ होता है तुम, तो इसका हम वाक्य बनाएंगे तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी। यहां पर कर्ता एक है इसीलिए क्रिया भी एक वचन की होगी और त्वम पठस यह शब्द यह वाक्य बना। मम का अर्थ होता है मेरा, तो यह मेरा घर है, इदम मम गृहम अस्ति। बालका अर्थात अनेक बालक, बालक जाते हैं, बालका गच्छन्ति। फिर है अस्माकम, हमारा, हमारा देश विशाल है, अस्माकम देशः विशालः अस्ति। सर्वत्र है अर्थात सभी जगह, ईश्वर सभी जगह है, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। मित्रम शब्द आया है तो मित्रम का अर्थ होता है मित्र, मेरा मित्र पढ़ता है, मम मित्रम पठति। पंडिता शब्द आया है तो इसका अर्थ होता है पंडित, तो हम इसका वाक्य बनाएंगे पंडित यज्ञ करता है, तो पंडिता यज्ञम करोति। फिर है तव, तव का अर्थ होता है वे दोनों, तो वे दोनों खाते हैं, तव खादता। तो यहां पर कर्ता दो है तो इसीलिए क्रिया भी द्विवचन की होगी, खादति खादता, तो यहां पर तव खादता यह वाक्य बना है। इस प्रकार से हम अनुवाद के नियमों का प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं। पहले हम उसको जो भी पद हमारे दिए रहते हैं उसका हम पहले हिंदी में उसके वाक्य बनाते हैं और हिंदी में वाक्य बनाने के पश्चात अनुवाद के नियमों से हम उसका वाक्य संस्कृत में बना सकते हैं। इस प्रकार से हम वाक्य प्रयोग संस्कृत में भी कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त संस्कृत में वाक्य प्रयोग करने के लिए रूप का ज्ञान होना अति आवश्यक है, शब्द रूप धातु रूप दोनों रूपों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आइए अब हम अभ्यास कार्य के बारे में जानते हैं। अभ्यास कार्य में निम्न पदों का संस्कृत में प्रयोग कीजिए, यह शब्द दिए हुए पद दिए हुए इन पदों का आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख करके इसका वाक्य आप बनाएंगे। तो इसका वाक्य बनाने के लिए आप सीधे संस्कृत में वाक्य बना सकते हैं और अगर सीधे संस्कृत में वाक्य नहीं बनते हैं तो आप इन पदों का हिंदी में पहले वाक्य बनाएंगे फिर उस वाक्य को उसका अनुवाद संस्कृत में कर देंगे। इसी के साथ
हमारी यह कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।